I'm sharing my screen. Okay, so can you guys see my screen? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So, since we have gone through the object-oriented introduction, so we know that object-based programming kya hoti hai, object-oriented programming kya hoti hai, sahi hai, uske basic pillars kya hote hai, wo kis tarah se kaam karti hai, ye kis tarah ki techniques hoti hai, sahi hai, we know all the introduction that we required before starting the object-oriented programming, sahi hai. Okay, now what we are studying, that starting from the class, ke class kya hoti hai, we all know, sahi hai, main repeat bhi kar deta hu. क्लास जो है ना एक ब्लू प्रिंट होती है, एक नक्शा होता है, ठीक है, एक ब्लू स्केच होता है बिफोर क्रिएटिंग एनी बिल्डिंग और समथिंग. हम एक स्केच बनाते हैं इंजीनियरिंग का, ठीक है, कि इसमें ये चीजें होंगी, ये कमरे होंगे, दीज ऑल दीज थिंग्स, सही है. तो ये जो है ना बेसिकली जो क्लास होता है वो स्केच होता है पूरा. स्केच क्यों होता है, क्योंकि हम इसकी चीजें यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हम यूज क्यों नहीं कर सकते, जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते इनका, ठीक है. तो बेसिकली क्लास के अंदर क्या होती है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, मतलब डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल्स जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, मेथड्स होते हैं, सही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम क्लास के साथ रख सकते हैं, ठीक है. लेकिन बेसिकली जो मेन चीजें होती हैं वो यही वेरिएबल्स होते हैं, मैथड्स होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपके इस क्लास के अंदर होते हैं, सही है. अच्छा, उसके अलावा जो क्लास है, क्लास को स्टार्ट करने का तरीका कैमिल केस के अंदर आता है, सही है, वो भी हमने पढ़ा हुआ था कि क्लास का जो भी नाम होता है वो किस तरह हम स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो अपर केस होता है, जब वर्ड खत्म होता है और दूसरा वर्ड भी उसके साथ अटैच करना होता है तो भी जो है ना वो कैमल केस के साथ वो फर्स्ट लेटर अपर केस होता है, सही है. लेट से मैंने एक क्लास बनाई मेन मेथड के नाम से, लेट से मेन का एम बड़ा होगा, मेथड की एम अपर केस होगी, ठीक है. अच्छा, ये क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा दो वर्ड्स के बीच में, कि दीज आर द टू वर्ड्स, ठीक है. अच्छा, ये एक चीज हो गई कैमल केस के हवाले से, ठीक है. अच्छा, क्लास जो है हम यहाँ पर इंटेलिजे के अंदर किस तरह बना सकते हैं, ये हमारी मेन क्लास है. एक होती है कैमल, जी कैमल केस ये नहीं करता, पहला वर्ड जो है उसका कैपिटल वर्ड होता है और दूसरे, सॉरी, पहला स्मॉल होता है तो दूसरा अपर केस होता है दूसरे वर्ड का. नहीं, कैमल केस के अंदर ये एक्शन परफॉर्म, जैसे सर एग्जांपल थी उसमें एक्शन परफॉर्म, तो एक्शन उसने स्मॉल में लिखा होता और पी परफॉर्म से पी उसने कैपिटल लिया होता. हाँ, कैमल केस के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस होती है, दिस इज फॉर द मेथड यू आर टॉकिंग अबाउट. आई एम लुकिंग अबाउट द क्लास, सही है. तो उसमें आप कैमल केस की जब स्पेलिंग देखोगे ना तो कैमल की सी अपर केस और केस का सी जो है अपर केस होता है, ठीक है. तो कैमल केस मतलब दो डिफरेंट वर्ड्स है, व्हेन यू आर अप्लाइंग कैमल केस फॉर द क्लास, ठीक है, तो उसमें इस तरह. अच्छा, कैमल केस इसी तरह होता है कि बेसिकली फर्स्ट अपर केस, सेकंड अपर केस, थर्ड अपर केस या फर्स्ट लोअर केस, उसके अलावा बाकी अपर केस, सही है. लेकिन क्लास के नाम में हम उसी चीज को स्टार्ट जो है क्लास का नाम अपर केस से करते हैं, ठीक है. बेसिकली दीज आर स्टैंडर्ड्स, सही है, नॉट नेसेसरी थिंग्स. लेकिन लेट्स से मैंने एक पहले भी मिसाल दी थी, मेरे सामने कोई इस तरह रखे, मेरे सामने पहले इस तरह आए, फिर इस तरह और फिर, ठीक है, ये तीनों चीजों से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि व्हाट इज द फील्ड, आई मीन वेरिएबल, व्हिच इज द क्लास एंड व्हिच इज द मेथड. दिस इज द क्लास, क्यों, क्योंकि इसका मेन और मेथड जो है ना वो दोनों अपर केस है. दिस इज द वेरिएबल, क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट केस है वो लोअर केस है और सेकंड अपर केस है, सही है, ये वेरिएबल है. अच्छा, थर्ड इज द मेथड, क्यों, क्योंकि इसके एंड में मेथड की जो ब्रैकेट्स होती है, ठीक है, तो मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूँ. मेथड और वेरिएबल में सिर्फ इस चीज का ही फर्क होता है और क्लास में इसी चीज का ही फर्क होता है कि उसमें आप जो है अपर केस लगाते हो, इनिशियल केस, ठीक है. तो ये जो है स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस के अंदर आता है, सही है, इसमें सॉरी स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है, रूल्स रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा क्लास का ये होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जब भी आप कोई भी चीज बनाते हो तो वो क्लास के अंदर बनाते हो, क्लास के बाहर नहीं, पहले क्लास बनती है उसके अलावा सारी चीजें बनती हैं,
ठीक है। अच्छा, क्लास बनाने का क्या तरीका है? एक तो आपकी ये मेन क्लास होती है, मेन के अंदर मेन मेथड होता है, एग्जीक्यूशन यहीं से होगी। वी नो कि यहाँ पर जो भी आप चीज लिखोगे वो चीज यहाँ से एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, क्लास आप किस तरह बनाएंगे? अच्छा, उसके अलावा सबसे पहले एक और चीज का ध्यान रखना है हमें। वो किस चीज का ध्यान रखना है हमें कि जो भी आप क्लास बनाए ना, उसका जो नाम लिखे और उसके अंदर की चीजें आपको पता हो किस तरह की चीजें मैं बनाने वाला हूँ, वो थोड़े से रिलेट करती हूँ। ठीक है। दिस इज अगेन स्टैंडर्ड, नॉट नेसेसरी। लेट से मैं मेथड्स बनाने जा रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ए प्लस बी करने जा रहा हूँ, बी प्लस ए करने जा रहा हूँ, और मैं क्लास का नाम रख दूं एबीसी, दिस डजंट मेक सेंस, राइट? कि वो होती है ना, अ बुक इज नोन बाय द कवर इट हैज, सही है? तो जो किताब होती है उसके कवर से हमें पता चल जाए कि ये किताब किसके मुताबिक है। तो अगर मैं क्लास का नाम एडिशन रखता हूँ या क्लास का नाम कैलकुलेटर रखता हूँ, सही है, तो इट विल मेक सेंस कि मैं कैलकुलेटर को ओपन करने से पहले ही समझ जाऊंगा कि इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर किस तरह की चीजें हो सकती हैं। दिस इज अगेन स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू में आ जाऊंगा, जावा क्लास। ठीक है, कैलक्यूलेटर, ये सिंपल मैंने क्लास बना दी। आप देख सकते हो मेन के साथ एक कैलकुलेटर आ गई। जब भी मेन क्लास होती है, मेन हब क्यों बनाते हैं, ये मेन क्लास जो है मेन मेथड को होल्ड करती है, तभी इस क्लास का नाम हम मेन रखते हैं। जरूरी नहीं आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। मेन से हमें पता चलता है दिस इज द मेन क्लास, यहीं से स्टार्ट होने वाली है। जब भी जावा रन होगी वो दूसरे क्लासेस को देखेगी नहीं, वो सिर्फ मेन क्लास के मेन मेथड को देखेगी। ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेटर अब क्लास है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। इस तरह एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पर, इंट ए इक्वल्स टू 3। दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल, नॉट अ लोकल वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस और लोकल भी हमने देखे थे। ये सारी चीजें क्यों देखी थी? क्योंकि हमें ये सारी चीजें यहाँ पर यूज करनी होती है। ठीक है। अच्छा, इंटीजर बी इक्वल्स टू 4, ये दो चीजें मैंने यहाँ पर बना दी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये क्लास के फील्ड्स हो गई। ठीक है, कैलकुलेटर क्लास की। ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंट मेथड्स भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अब मुझे ये चीज प्रिंट करवानी है यहाँ पर। ठीक है, ए और बी। अच्छा, मैं अब इसको रन करता हूँ, देखता हूँ प्रिंट होती है या नहीं होती। अच्छा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। उसामा, बता सकते हैं आप क्यों प्रिंट नहीं हुआ? जी सर, क्योंकि हमने सम ही नहीं किया। और नहीं सर, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया इसलिए। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया इसलिए। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। देखें, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, मैंने बताया था कि अ क्लास जो होती है वो क्या होती है, एक स्केच होती है। ये आपने स्केच बना दिया, सही है। इस स्केच को आप रियल में यूज नहीं कर सकते, आप आउटपुट नहीं ले सकते। क्यों? अंटिल यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इनसाइड द मेन मेथड। मैंने ये भी बताया कि जब आपकी जावा स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले मेन मेथड को देखती है। अगर मेन मेथड कहीं नहीं मिलेगा उसको, तो ये एरर फेंक देगी कि मेन मेथड चाहिए। कहीं भी उसको मेन मेथड मिल गया तो उसमें जो जो चीजें होंगी वहां से जो है सॉरी, उस वहां पर ट्रेवल करेंगी। ठीक है। लेट से अगर मैंने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर, तब वो जाके उसको पता चलेगा कि कैलकुलेटर भी कोई क्लास है और उसमें जो जो चीजें आप उससे कॉल करोगे फिर जाके वो लेके आएगी। ठीक है। एक चीज यूं समझ लें, लेट से मैं आपको समझाऊं कि आपको भाई सुबह जो है एक लोगों का एक फील्ड वर्क होता है ना, लेकिन हम सुबह को क्या बोलते हैं, भाई सुबह के वक्त आपको जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होना है और वहां से आपको सबको एक एक टास्क मिलेगा, सही है। अब यूं समझ लें कि आपके जितने भी क्लासेस हैं, 100 ऑफ क्लासेस हैं, सही है, जावा उसको नहीं पहचानेगा, मुझे नहीं पता, उसकी अटेंडेंस ही नहीं लगेगी। ठीक है। जब तक वो मेन मेथड में अपना ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, मतलब खुद को पेश नहीं करेंगे, तब तक जावा को पता ही नहीं लगेगा कि कोई ऐसी क्लास भी है, एग्जिस्ट भी करती है, वहां भी मुझे जाना है। इसकी मिसाल यूं लें कि वी हैव 100 गाइज, मैंने उनको कहा कि भाई वी आर 100 गाइज, या यूं समझ लें ये जूम है, यहाँ पर सबको कनेक्ट होना है, सबको अलग अलग एक असाइनमेंट अलग से मिलेगा, लेकिन सबको पहले यहाँ कनेक्ट होता है ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन अवेलेबल है। ठीक है। अब जैसे 7 बंदे, आप हमारे ग्रुप के अंदर 14 बंदे आते हैं, 15 बंदे आते हैं, लेकिन आप 7 यहाँ आए हो तो आपकी अवेलेबिलिटी मुझे दिख रही है, बाकी मुझे नहीं पता आए नहीं आए हैं नहीं है, आई डोंट नो अबाउट देम। ऑल आई नो कि आप मेरे साथ अवेलेबल है यहाँ पर, सही है। यू आर लाइव फ्रॉम योर होम, फ्रॉम एनी थिंग, बट यू आर विद मी, सही है। अब मैं आपको यहाँ से टास्क दूंगा, ऑल आई नो यू विद द हेल्प ऑफ जूम, सही है।
Java knows a class with the help of object that is created inside the main method. ठीक है, ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये इंटरव्यू की पॉइंट्स भी हो सकती हैं आपकी, और ये हमेशा नोट किया करें, ये जब रिवीजन किया करें आप इस लेक्चर की, तो ये पॉइंट्स अपने पास कॉपी पे नोट कर लिया करें, जो जो मैं जिसमें मैं आपको वक्फा नहीं देता नोट करने का, ठीक है, ये जरूर नोट किया करें, ये इंटरव्यू पॉइंट्स भी होती है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है? ऑब्जेक्ट बनाने का एक नॉर्मल तरीके होते हैं, एक तो अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक नॉर्मल तरीके, अभी हम नॉर्मल तरीके के साथ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बनाया, कैलकुलेटर calc equals to new, पहला क्या था, स्केच था, पहले कैलकुलेटर क्या था, स्केच था, सही है। अब उसको मैंने डेवलप कर दिया, अब उसको मैंने मेमोरी में ले आया, अब मैं वो एग्जिस्ट करता है, पहले वो मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, न्यू के बाद उसी क्लास का नाम लेके आखिर में ये मेथड दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, वही आपका क्लास होता है, ठीक है, ये क्लास नेम होता है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ये वेरिएबल होता है, सही है, ये इंस्टेंस बोल सकते हो इसको, क्लास वेरिएबल बोल सकते हो, ये जो भी नाम आप दे सकते हो, देना चाहो दे सकते हो, और आप जो है इसी क्लास के नाम से आप इसकी चीजें को कॉल करो, ठीक है। ये अब मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा जब भी आपका मेन मेथड रन होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, एस आउट बनाया आपने, calc. जैसे ही करोगे आपके पास इसकी सारी फील्ड्स आपके पास आ जाएंगी, जो जो इसके पास अवेलेबल चीजें होंगी, ठीक है। ये a मैंने बनाया था, ये आपके पास आ जाएगा, एस आउट calc डॉट बी, ठीक है, ये भी आपके पास आ गया। नाउ यू विल लुक फॉर a एंड b, देखें 3 और 4 कहां से आया, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट जो है हमने बनाया, मतलब कैलकुलेटर अब एग्जिस्ट होने लगा, ये पहले स्केच था, ये कुछ भी नहीं था, जब हमने न्यू इसको कीवर्ड दिया तो ये मेमोरी में एग्जिस्ट होने लगा, ये रैम में लोड हो गया, क्यों, क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर आ गया। तो जब हमने इसकी फील्ड्स को यूज करना स्टार्ट की तो हो गया। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि स्कैनर का मेथड जो है नेक्स्ट वो मुझे यूज करना है, आप जब तक यूज नहीं कर सकते जब तक स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बना। जावा डजंट नो एनी स्कैनर क्लास इज देयर इन यूटिल और समथिंग अंटिल यू मेक इट विद इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और उसको लोड करवाओ, सही है, अदरवाइज वो मेमोरी में क्लास लोड ही नहीं होगी। ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कोई भी चीज मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती अंटिल यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, अंटिल यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन मेन मेथड, ठीक है। ये चीजें जो भी क्लासेस होती है ना, क्लासेस की डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन ये है, अ क्लास इज अ ब्लू स्केच, अ क्लास इज अ स्केच, अ क्लास इज अ डिजाइन, सही है, फॉर द मेथड्स, फॉर द एट्रीब्यूट्स, फॉर द फील्ड्स, फॉर द ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग, सही है। और ये एक डेफिनेशन हो गई, इसके स्टैंडर्ड में ये आ गया कि क्लास का नाम कैमल केस के मुताबिक होना चाहिए, फर्स्ट केस अपर केस, और उसके अलावा क्लास के अंदर वो चीजें होनी चाहिए जिस तरह का क्लास का नाम है, ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा मेथड की तरफ आते हैं, सही है, मेथड को एक दोबारा हम एक पूरी मर्तबा पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा मेथड बनाते हैं ताकि हमें पता चले हम स्कैनर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड एड। यहाँ पर आप जब मेथड्स बनाओगे दूसरे क्लासेस के अंदर तो आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पर ये स्टैटिक होता है, ये स्टैटिक इस वजह से होता है, इसको मैं कॉल नहीं करता, इसको JVM कॉल करता है। बाकी मेथड्स को मैं खुद यहाँ इसके अंदर कॉल करूंगा तो वी डोंट नीड टू पिक द स्टैटिक वर्ड व्हाइल क्रिएटिंग द मेथड, राइट। सो यू विल स्टार्ट जस्ट क्रिएट द पब्लिक, you will use the void, you will use the aid. मैंने public का already first में बताया था कि this is an access modifier, सही है, void का मैंने बताया था, that means no redundancy for now, सही है, बाकी हम methods को थोड़ा सा और deeply पढ़ेंगे जब हम method के topic पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक simple s out कर दिया, a plus b, अब a की value जो भी होगी, b की value जो भी यहाँ से ये ऊपर pick करेगा और इनको s out करेगा, okay, so leave this one, सही है, इनको छोड़ दें। अब सिंपल स्कैनर का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, सही है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के उसका एक मेथड यूज करते हो। मैं भी क्या कर रहा हूँ कि एक वो करता हूँ, जब आप कोई भी इंटीजर लेना होता है आपने तो क्या करते हो, ac.nextint और पहले इंटीजर बना देते हो। मैंने भी इंटीजर a किया,
या एड बनाया, सही है, इक्वल्स टू कैल्क डॉट एड का मेथड कॉल कर दिया। ये क्या करेगा, ये अपनी दो वैल्यूज उठाएगा, अच्छा इंट तो होगा ही नहीं इसमें क्योंकि मैंने वॉइड रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल सिस आउट कर सकते हैं या हम नॉर्मल इस तरह बस पिक कर सकते हैं, ठीक है। कैल्क डॉट एड क्या करेगा, इसका ये मेथड कॉल हो जाएगा और ये खुद ही एस आउट कर देगा ए प्लस बी को, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके गुड राइट, ओके सो लेट्स रन इट। सही है, ये देखें 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। अच्छा नाउ एवरीथिंग इज, सिंस एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, वी नो के कैलकुलेटर की क्लास थी, उसमें हम वेरिएबल्स भी रख सकते हैं, उसमें हम जो है यहाँ पर एड वगैरह ये वो एक मेथड बना सकते हैं, इन मेथड्स के अंदर हम स्कैनर कॉल कर सकते हैं, स्कैनर से हम इनपुट ले सकते हैं और जो भी हमें काम करना होता है वो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं किस तरह, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने और यहाँ पर क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का, स्कैनर AC equals to new, वही पूरा काम हम करेंगे यहाँ पर, इफ एल्स की कंडीशन, फॉर लूप, वाइल लूप, जो मेथड्स हमें बनाने हो, जो कुछ करना हो हम वो सब करेंगे, सही है। अब क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन, सही है, और ये हो गया। अब यहाँ पर इंटीजर A equals to AC dot नेक्स्ट इंट, ये और नेक्स्ट इंट से पहले हम यहाँ पर एसओपी करेंगे, ओके, इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पर एसओपी करेंगे इंटर सेकंड नंबर, सही है, और यहाँ पर इंटीजर बी करेंगे इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट और हम यहाँ पर एस आउट करवा देंगे ए प्लस बी को और इस मेथड का जो नाम है वो एड टू नंबर्स रखते हैं, सही है, ओके। और दूसरा एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड एड फाइनाइट नंबर्स, ठीक है, जितने नंबर्स आते जाएंगे वो हम सब एड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब यूजर से सबसे पहले पहला सवाल क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ स्कैनर बनाना होगा। अब स्कैनर के दो तरीके, या तो ये लोकल ऑब्जेक्ट बन गया, सही है, इसको यहाँ पर दोबारा बनाना पड़ेगा। हम इसका ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि इसको इंस्टेंस बना देते हैं ताकि हर उसके अंदर हम यूज करें, सही है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट्स टू ब्रैकेट्स, ये दोनों मेथड्स इन ब्रैकेट के अंदर आते हैं, दैट मींस दोनों मेथड्स इसको यूज कर सकते हैं, इवन तीसरा बनाओ। अगर ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट हम रखेंगे सिर्फ ये मेथड इस स्कैनर को यूज कर सकता है, तो अब हमें स्कैनर की जरूरत नहीं है। अब हमें एक इंटीजर ली इंट नंबर्स इक्वल्स टू हाउ मेनी एसी डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया, ठीक है, और इससे पहले सिस आउट कर दिया हाउ मेनी numbers do you have, ठीक है, जितने उसके पास numbers होंगे आ जाएंगे, for loop चल गया भाई, for integer i equals to zero i less than numbers और i plus plus less than numbers क्यों चलाया, क्योंकि मैं zero से start कर रहा हूँ, अगर मैं one से start करूँगा तो मैं equals to number लिखूँगा, ठीक है, और i plus plus चला दिया मैंने, ठीक है। अब जिस वेरिएबल में मुझे प्लस करना है वो एक वेरिएबल बना दूंगा, int sum equals to zero हो गया अभी, ठीक है, और अब लूप चल गया, लूप के अंदर मैं एस आउट करता जाऊंगा इंटर नंबर प्लस i, नंबर वन हो जाएगा, नंबर टू, नंबर थ्री, इसी तरह int नंबर, पर मैंने नंबर्स लिखा हुआ, यहाँ नंबर है, सही है, AC dot next int, ठीक है। अब जो जो मुझे नंबर मिलेगा वो सम equals to सम प्लस नंबर होता जाएगा, सही है, जो भी सम में पड़ा होगा वो सम के प्लस होके, नंबर से प्लस होके फिर दोबारा सम में जाता जाएगा, और जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो सिस आउट हो जाएगा कि भाई जो सम है वो ये है, सही है। अच्छा
सम इक्वल्स टू प्लस सम हो गया, इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट तो जरूर बनाते हैं, सही है, इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया हमने, स्कैनर दोबारा कॉल किया क्योंकि अब हमें स्कैनर की यहाँ भी जरूरत है, एसी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और हमने क्या पूछा यूजर से कि एस आउट सेलेक्ट एन ऑप्शन, ठीक है, फिर एस आउट किया वन यू हैव टू बर्स एट, सही है। और फिर से साउट किया टू डॉट यू हैव मोर देन बर्स टू एट, ठीक है। और यहाँ साउट किया सेलेक्ट वर ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ मैंने एक बनाया इन ऑप्शन equals to ac dot next int, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर स्विच बनाया, स्विच के अंदर मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने केस वन बनाया, और केस वन के अंदर मैंने क्या कॉल किया कैलकुलेटर डॉट एड टू नंबर्स, और यहाँ कर दिया ब्रेक। मैंने केस टू बनाया, सही है, कैलकुलेटर डॉट एड इनफाइनाइट नंबर्स, और यहाँ कर दिया ब्रेक, ठीक है। और यहाँ कर दिया मैंने सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब ये पहले मुझसे इनपुट ले रहा है, हाँ सर, ये जो आपने कैलकुलेटर बना ऑब्जेक्ट बनाया है ऊपर डिक्लेयर किया है सर, इसमें हम जो क्लास का आपने ऊपर बताया है जैसे कि क्लास का नाम कैलकुलेटर है, तो ऐसा हो सकता है कि अब जैसा हम पता है कि क्लास में जो चीज़ें यूज हो रही हैं वही यूज करेंगे, ठीक है, वो तो होगी क्लास, तो ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सेम नेम हो सकता है, रख सकते हैं उसको? हाँ सेम नेम, हाँ नहीं कोई इशू नहीं है, सेम नेम भी रख सकते हो, लेकिन एक मसला होगा क्लास का नेम का जो सी होगा वो अपर केस होगा और नाम के उसका जो सी होगा वो लोअर केस होगा उसकी, हाँ उसकी वजह ये है ये स्टैंडर्ड में आता है अगेन, सही है। अब देखिए मैंने कैलकुलेटर कैलकुलेटर सेम बनाया लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट ये है कि दिस इज अ फील्ड, दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ क्लास, सही है। अगर यहाँ पर कैलकुलेटर एबीसी होता तो मैं कैलकुलेटर का जो ए फिर बाद में लिखता वो लो अपर केस लिख देता, सही है, ठीक है। ओके और यहाँ पर भी देख सकते हैं एडिशन की ए जो है वो लोअर केस है, बाकी टू नंबर्स और इनफाइनाइट नंबर्स आई और एन जो है वो अपर केस है, सही है। ओके अब जो है इसको रन करते हैं, जरा पहले मेन मेथड हमसे इनपुट लेगा, अकॉर्डिंग टू द इनपुट मेन मेथड अपना वो कॉल करेगा। मैंने वन दी इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर 22 22 44 इसने बता दिया, सही है। अच्छा मैंने बोला नहीं मेरे पास जो है ना ऑप्शन टू सेलेक्ट करता हूँ, दिस इज समथिंग मेन्यू, सही है, दिस इज द मेन्यू टू, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, मैंने कहा भाई फोर है, पहले मैं वन देता हूँ, टू देता हूँ, थ्री देता हूँ, फोर देता हूँ, टेन मुझे सम करके बता दिया, सही है। ये हो गया ना डायनामिक, डिफरेंट ऑप्शंस आप बना सकते हो, सही है, डिफरेंट चीजें आप बना सकते हो, डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो, उन सबको हैंडल कर सकते हो आप स्विच या इफ की कंडीशन पे, सही है। अच्छा मेरे पास सिर्फ दो कंडीशंस थी, वन और टू, तो इस केस में इफ एल्स इफ या इफ एल्स से यूज करने से ज्यादा फास्ट और बेहतर था कि मैं केसेस यूज कर लेता, सही है, तो मैंने स्विच यूज किया, दिस विल वर्क इवन फास्टर इन दैट सेंस। ओके ऑल क्लियर, ऑल सेट टू ऑल? तो हमें जो भी हम यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ ना वो सेव करने के लिए मुझे ये इनपुट इसको मिल जाती है और ये मुझे एक इंटीजर में सेव करा के देता है, और उसी के ऑप्शन के बिहाफ पे अगर वन इनपुट आ रहा है तो ये कॉल हो रहा है, अगर टू इनपुट आ रहा है तो ये कॉल हो रहा है। Yes, scanner is a class that is already created by Java. This is inside the java.util.scanner.
whenever you require the input, you just use the scanner class and its methods for the input accordingly. You need integer, you need byte, you need short, you need all these things. Okay. नेक्स्ट इन सर इसके मतलब ये है कि नेक्स्ट हमें नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, अगर हम एक एंटर करते हैं तो उसके अलावा नेक्स्ट वैल्यू हमें ही हां हमारे पास इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आ जाती है। ठीक है। और ये जो है ना ये मैं शायद क्लास 2 या क्लास 3 में भी कहीं ना कहीं ये मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इसका हम कैरेक्टर कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग कैसे लेते हैं और इंटीजर बाइट शॉर्ट लॉन्ग जितने भी 8 डेटा टाइप्स हैं, 9th वन इज स्ट्रिंग, ये सारे किस तरह जो जो मेथड्स यूज करते हैं वो लेक्चर में ना मैं पूरा क्लियर करवा चुका हूँ। ये तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, सो यू विल गेट मोर सेंस ऑन दैट स्कैनर। ओके ओके गुड ओके। सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग और कैलकुलेटर के अंदर सिर्फ ये मेथड्स के दो नाम लिख लें अपने पास बस, बाकी आप खुद ही बना लेंगे। सही है। और इस क्लास मेन के अंदर आप ये पूरा जो है ये लिख लें और क्लास की जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो भी लिख लें। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल क्लोज द मीटिंग 1 एंड देन वी विल स्टार्ट द मीटिंग 2। सही है। इन दीस 5 मिनट्स इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी। सर कैलकुलेटर वाले पे जाएं, मैंने खाली मेथड के नाम चेक करना है। मेथड के नाम आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों मेथड के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सही है। ओके ओके थैंक यू सर। इन केस ये मेरे लिए बहुत बेसिक है तो मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ? मतलब मैं समझा नहीं सर। ये ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस है जावा पे 1 साल का। Okay. तो ये मेरे लिए बच्चों की बात है। ओके यार मैं नाम भूल गया आपका, दोबारा बताइएगा। फुरकान। ओके या सो यार वी हैव हमने कंप्लीट किया हुआ है वो क्या बोलते हैं लूप्स वगैरह हमने कंप्लीट किए हैं लास्ट उसमें लेक्चर्स में। सही है। सो वी आर गेटिंग स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये क्लास है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जो है इनहेरिटेंस को देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे और इसी तरह हम आगे चलते हुए आएंगे। सिंस यू हैव वर्कड ऑन जावा डबली एज वेल? लिटिल बिट। ओके लिटिल बिट मींस जेएसपी सर्वलेट्स वगैरह? एक्चुअली आई वर्क ऑन ओरेकल जेडीबीसी। ओरेकल जेडीबीसी ठीक है। सो आपने जो है जो उसकी जावा की कनेक्टिविटी तो की होगी ओरेकल के साथ? स्प्रिंग Spring पे काम किया हुआ है आपने? REST API इस पे Spring Boot, Spring MVC? Basically Spring और Hibernate पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। मतलब Spring MVC और Hibernate के ऊपर आपने काम किया हुआ है? Spring MVC पे एक प्रोजेक्ट किया था लेकिन मैं उसको अपनी एक्सपर्टीज में नहीं ऐड करूंगा। हाँ लेकिन Spring और Hibernate अगर आप साथ में यूज कर रहे हो so you will use either Spring Boot or Spring MVC, इन दोनों में से कुछ तो यूज किया होगा ना Spring का। Spring MVC use किया हुआ। Spring MVC use किया हुआ। सही है। Spring MVC use किया हुआ आपने। ठीक है। Good है। और Hibernate भी आपने काम किया हुआ है ORM tool पे? जी Oracle पे काम किया हुआ मैंने। सही है। So Hibernate के अंदर जब आप काम करते हो तो उसमें Oracle या वो आप नहीं देखते, just you have to change the dialects and it will work fine for you। जी तो आप जो है क्वेरीज आप इसी तरह Hibernate की डिफरेंट क्वेरीज लिखते हो, HQL क्वेरीज। या तो आई विल सजेस्ट यू के वेट फॉर अ लिटिल टाइम इवन फॉर 1 वीक और मोर, कि जब तक हमारी ऊब खत्म हो जाए। उसके अलावा जो है अभी हमारी और चीजें रहती हैं, GUI रहती है, उसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग रहती है फॉर द कोर जावा साइड, उसके बाद JDBC कनेक्टिविटी रहती है, देन वी विल मूव टू JSP सर्वलेट्स and then we will move to Spring REST APIs and data JPA. So hum Hibernate ko pick nahi karenge, hum data JPA ko pick karenge. These are something same. So you can wait for more than 1 week as well. Aur jo hai agar okay no problem. Dusra tarika ye hai Furqan ke aap Bilal se baat kar lo. So if you feel ke ye training aapke liye nahi hai, so you can talk to him and you can skip the training, no issues.
Okay, no problem. If I want to join, I can join. Yeah, sure. That's it. Okay, I will. I will join, but I will not talk. Sorry, can you come again? I will join, but I will not communicate in the class because it will disturb the other people as well. Yeah, that's right. You're right. Okay. Thank you. All right. बाकी सबने लिख लिया आपने? Yes, sir. Okay, good. समझ आ गया? Any questions so far? No, sir. Yes. Okay, good. Okay, so, all right. So मैं ये meeting close कर रहा हूँ. We have just 1.5 minutes remaining for this meeting. So I will start again meeting in 2 minutes. Okay. All right.